बतन खराब है कि मना खराब है यहाँ, वो जो है ना नाक का जो है ना नस काट दिया गया जिससे आँख में रोशनी चला गया है। तो फिर अभी समस्या क्या हो रही है? मतलब आँख खुल ही नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा है आँख से। डॉक्टर क्या आश्वासन मिल दिया? वो बोले हैं कि 3 दिन में हो जाएगा आँख, लेकिन 3 दिन तो पुर गया है। आपने जानकारी लिया कि डॉक्टर ने गलत किया है कुछ ऐसा? गलत डॉक्टर तो गलत किया ही है, तब ना आँख खराब हो गया है। तो नाक का जो ऑपरेशन करना था वो आँख का नस कट गया जी, रोशनी का जी। सीमा रॉय का यहाँ पर 19 तारीख को ऑपरेशन किया गया है, बायलैटरल फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। वो सफ़र कर रही थी आपको राइट साइड सस्पेक्टेड फंगल पॉलीपोसिस से विथ पैन साइनसवाइटिस से। सारे साइनसेस में मांस भरे हुए थे उनके और राइट साइड से मांस बाहर नाक के द्वारा लटक भी रहा था। तो उनका ऑपरेशन प्लान किया गया था यहाँ पे बायलैटरल फेस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी विथ नेजल मांस रिमूवल। वो ऑपरेशन इनका किया गया अंडर GA में, जनरल एनेस्थीसिया में। ऑपरेशन ड्यूरिंग इंट्रो ऑपरेटिवली अनइवेंटफुल था, अच्छी तरह से करके नाक में पट्टी कर दिया गया। पोस्ट ऑप उनके आँख में लेफ्ट साइड में स्वेलिंग देखी गई, इन्फेक्शन हो गया था जो कि ट्रीटमेंट चलाया गया उसका। और उनका आई के डॉक्टर से भी कंसल्टेशन लिया गया है और डॉक्टर ने कहा है कि नस में थोड़ा इन्फेक्शन आया है जो कि दवा से 10 से 15 दिन में रिकवर कर जाए। उनके परिजनों का आरोप है कि वो यहाँ इलाज करवाने आए किसी और चीज़ का, बीमारी एक बढ़ गई है, अब वो केस करने की भी बात कर रहे हैं। साइनस की सर्जरी में देखिए आई का कॉम्प्लिकेशन डॉक्यूमेंटेड है बुक्स में भी, और देखा गया है कि यह पॉसिबल है कि अगर साइनस की सर्जरी हुई है तो आई में इन्फेक्शन हो सकता है। क्या आपने ये बताया था उनको कि ये ऑपरेशन कर आप पोस्ट ऑपरेशन ये हो सकता है? किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन किए जाते हैं किसी भी तरह के, ताकि सर्जरी के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशंस की संभावना क्या क्या रह सकती है, जैसे ब्लीडिंग हो गया, आई में इन्फेक्शन हो गया, ब्रेन में ही कई बार इन्फेक्शन फैलने का भी इस सर्जरी से डर रहता है 1%। मन से उजाला कर चले, मन से